आज 15 दिसंबर को हिंगनघाट के तहसील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में विभाग के लाल नाला और पोथरा प्रकल्प ग्रस्त पुनर्वसन प्लॉट आवंटन, नहर काम, उपसा सिंचन इत्यादि मांगों की पूर्ति के लिए राज्य मंत्री बच्चू कड़ू की उपस्थिति में बैठक ली गई है। जल संपदा और लाभ क्षेत्र विकास राज्य बच्चू कड़ू ने नागरिकों की उपस्थिति में अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने उपस्थित नागरिकों और अधिकारियों से विभाग के विविध समस्याओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया, साथ ही समस्याओं को जल्द निवारण करने के आदेश भी दिए हैं। एक माह बाद बैठक लेकर कितने काम पूरे हुए जिसका जायजा लेने की बात भी कही है। इस समय प्रहार के गंजू कुबड़े, हिंगनघाट तहसीलदार सतीश मासाल के साथ ही वर्धा, यवतमाल और चंद्रपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। काही पूरग्रस्त पुनर्वसन मागच्या काळात झालं होतं, त्या संदर्भातल्या आर्थिक पत्रिकेच्या आणि इतरही काही प्रश्न संदर्भात बैठक झाली। आपण या सगळ्या बैठकीच्या संदर्भात जे जे काही प्रश्न उपस्थित झाले त्याला एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे। एका महिन्यामध्ये हे सगळे प्रश्न आपण निकाली लावणार आहोत, नाही लागलं तर एक महिन्यानं पूर्ण आम्ही एक बैठक घेणार। हिंगणघाटच्या कुरकुरीत जे 1495 जे आहे त्याचा आता लगेच तहसीलदार प्रस्ताव सादर करणार आहे आणि मग गावठाण जाहीर झाल्याबरोबर आपण त्यांना आखी पत्रिका नंतर त्याचं पी आर कार्ड आपण देणार। नाही 1495 वाटप झाले आहे सर, आता आपण 2 दिवसात काही आखी पत्रिका एका वार्डाच्या वाटप करणार, उर्वरित राहिलेले 7 ते 8 दिवसात उरलेल्या लोकांचा प्रस्ताव तयार। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणोरकर।